सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रोके के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 2023 के 30-20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको पूरी दी जाएगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 28 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रात के 9:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच के लिए खेली जाएगी द वांडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला है। तो वहीं पहली टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज का भी सेम है, 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लगभग दोनों इक्वली परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है। अब अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करना लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे साउथ अफ्रीका 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं वेस्ट इंडीज 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे साउथ अफ्रीका का 50% देखने को मिल रहा है, तो वेस्ट इंडीज का 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो साउथ अफ्रीका का 163 है, तो वेस्ट इंडीज का 152 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो साउथ अफ्रीका का 259 है, तो वेस्ट इंडीज का 258 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो साउथ अफ्रीका का 100 है, तो वेस्ट इंडीज का 118 है। अगर टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों का इक्वली कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो मोस्टली सनी रहने वाली है, थोड़ी सी मौसम खराब रहेगी। अगर वहीं सेल्सियस की बात करें तो 18.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 82% रहेंगे, वहीं 40% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट रेटिंग का स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 168-165 में भी रन लग सकती है। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर रन थोड़ी सी कम सकती है, सेकेंड इनिंग में भी 145-150 के लगभग रन जाएगी। तो इस पिच पे अभी तक टोटल जितने भी मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, इस पिच पे अभी तक टोटल 24 मैच खेले हैं। अगर 2400 मैच की एनालाइज करें तो हर एक जितने भी मैच हुए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला। तो ज़्यादातर मैच देखें इस पिच पे, तो ज़्यादातर मैच डिफेंड में टीम जीती है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों टीम को दोनों तरह से सपोर्ट मिल सकती है। अगर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करे वो भी मैच जीत सकती है, या जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे तो वो भी मैच जीत सकती है, क्योंकि जो भी इस पिच पे जो भी अगर टीम स्ट्रांग रहेगी वो मैच जीत सकती है इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका ने आखिर दिखा ही दिया, वो अपना फर्स्ट मैच हार के आ रही, तो उस सेकेंड मैच में अपना बदला पूरा कर लिया। काफ़ी अच्छा रन अपोजिट टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा रन स्कोर बनाए गए थे, बट इजली वे में मैच चेस करके और जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा टॉस जीत के बैट जहाँ चूज करने का निर्णय लिया गया, और काफ़ी अच्छे रन स्कोर भी बनाए गए थे, बट ये अपना पिछला मैच हार के आ रही है। तो दोनों के बीच में काफ़ी मैच ज़बरदस्त होने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोनों एक एक सीरीज जीत के आ रही है। तो 30-20 मैच होगा, दोनों पूरी कोशिश करेगी 30-20 मैच जीतने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में देंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दो टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम साउथ अफ्रीका के की प्लेयर की बात करें तो क्विंटन डीकॉक, डेविड मिलर, रिजा हैंड्रिक्स,
तबरेज शमसी। वहीं दूसरी टीम वेस्ट इंडीज के की प्लेयर की बात करें तो निकोलस पूरन, जॉनसन चार्ली, अकील होसेन, ओडियन स्मिथ, ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमने पूरी बात अभी पूरी मैच एनालाइज डिस्कस कर ली। अब फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए साउथ अफ्रीका हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।